अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं वा नासिर खान, प्रोग्राम साढ़े मेहमान के नाल। तो दोस्तों, किसी ना किसी दिन किसी त्यौहार किसी जगह पर मैं ताड़ी मुलाकात करवाना मेहमाना के नाल। कभी कभी असी मेहमाना के घर खुद चले जाइए और उत्थे ही जाके असी कहने कि तुसी साढ़े अज मेहमान बन जाना है। तो अज इसे तरह असी ताड़ी मुलाकात करवावांगे किसी ऐसी शख्सियत के नाल। लेकिन उस तो पहले मैं तुहानू दस देवां कि अज हैगी है ईद। तो ईद का दिन इतने चलता पाया, बकरा ईद आ रही है, ईद उल अज़हा भी जिन्होंने कहते हैं। तो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट चौधरी अशरफ साहब के घर अज असी इतने आए हैं। तो इन्हां नाल थोड़ी जिहा ईद मुबारक भी इन्हों कहांगे, इन्हां नाल प्यारे प्यारियां सोहणियां सोहणियां गल्लां भी करांगे, तो नाल देखांगे कि अज इन्हां ने ईद दियां तैयारियां की कीतियां हैं। तो चलिए तुहाडी मुलाकात करवाने हैं इन्हां नाल, आओ मेरे नाल। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है साहब? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं क्या, चलिए चौधरी साहब के घर ईद मनाने वास्ते। लो जी, फॉर्मर मैंबर ऑफ पार्लीमेंट चौधरी अशरफ साहब, इन्हों बड़ी ढेर सारिया गल् हो गई। तो नाल मैं वेखांगा अच्छ बकरा ईद की कुछ हो रहा है, यह भी जरूर गलबात करने। की ख्याल है? इंग्लैंड तो आई हुई है, कैम्ब्रिज तो। सारे सवाल दे जवाब मेरे को पहले ही पूछ लेने जिहड़े मैं पूछने ने। गल है जी, मैं दसते ही ना तुहानू ते अपने मेरा बेटा छोटा आता। अस्सलाम वालेकुम, ये पोतरा? ये पोता। तेरा पोता का नाम है आपका? रेहान। रेहान भाई हैं? ये बेटिया का की नाम है? आयला। आयला, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। पुत्र तो अजे तक जागते पे ने, ईद दी खुशियां मना रहे ने। इतों के बच्चे तो फौरन सो जाते हैं। बहुत अजे बिजी सा अज, असी भी बड़ा बिजी सा, मगर अच्छा ना मेरी प्रोमिस सी कि ईद वाले दिन मैं तुहाडे घर जरूर आवांगा। कि तुहाडा हमेशा तुसी साडा ख्याल रखते हो, सोचते हो। हाय हाय। लो जी, सारे अपने अपने देशों ईदा मना रहे होंगे ने, लेकिन प्रदेश की ईद का मज़ा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि प्रदेश अपने देश की याद भी आ रहे होंगे, अपने घर वाले भी याद आ रहे होंगे ने। लेकिन परदेसियों के जोड़े माँ प्यो यार दोस्त उ होंगे ने जोड़े परदेस आए होंगे ने, जिन्होंने प्रदेश के दिन रात सर्द गर्म तेज़ हवावान सारा कुछ देखे होंगे। लेकिन अज सासी डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब के कोल इन्होंने घर आए, अज ईद का दिन से। मैं क्या सोचा कि अज वैसे तो कोई ना कोई मेहमान साढ़े ना आता, वैसे इन्होंने मुलाकात करनी सी, लेकिन एक त्यौहार भी आ गया ईद का, तो फिर असं अज इन्हों के घर हो गए। चौधरी साहब, अज वैसे लगता दिन काफ़ी मसरूफ है तुहाडा, बड़े थके थके लगते पे हो। बस जी, ईद हमेशा ही बिजी रहिंदा, लोग आते हैं जाते हैं, सुबह नमाज़ पढ़ी दी है, उसके बाद फिर कोई विजिटर्स आते हैं, फैमिली आती है, तो सारा दिन निकल जाता इस तरह। अच्छा, तुम भी कोई घर बार काम कर रहे हो या सिर्फ दोस्तों को अटेंड ही कर रहे हो? जी मैं भी बहुत करना हूँ, मैं सेमी रिटायर है। अच्छा, तो फिर काम करना करना ही पैंदा। अच्छा जी, पबली तुम ये दसो, तुम मुस्कुरा रहे हो, गल करते पे ने, तो यह की वजह है कि तुम ये, मैं कोई इन्होंने कोई गलत गल की तो फड़ लो। मैं सुन रही हाँ कि सच बोल रहे हैं कि नहीं। यानी कि जिन्हें भी पोलिटिक्स बंदे होंगे ने घर भी, हाँ जी झूठ सच चलता रहा? हाँ जी चलता रहा, लेकिन अजकल को ज्यादा टाइम है तो हेल्प कर देंगे। अच्छा, मसरूफियत रही जनाब ईद वाले दिन, जो लोग ईद मना रहे होंगे ना, अज मैं बहुत अच्छा लगे जो भी आई सी, कले कले डॉक्टर साहब ना मुलाकात हो जाती सी, लेकिन अज इन्हों के घर के रौनक लगी हुई हैं। सब तो पहले जी तुम नवे घर की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। लास्ट टाइम मैं दूसरे घर पता नहीं, मैं पूछागा कि इन्ने घर तुम लोग किस तरह बनाते हो, कि पाकिस्तान वाली पॉलिटिक्स मेरे नहीं है बच्चों के। अच्छा, ये सारे जिन्हें भी लीडर ने ना, सारे ने बच्चों के ना प्रॉपर्टियां लाई होंगे ने। आते फीत मुबारक। खैर मुबारक। सुनाए कैसा दिन गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजरा। आप थके थके क्यों लग रहे हैं? बस काफी लंबा दिन हुआ था। अच्छा, तो सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ के, फिर मेहमान वगैरह आए थे। अच्छा, और बच्चों के साथ भी काफी बिजी रहे। मैं बिल्कुल, जब बच्चों के साथ ईद मनाने का फिर मजा ही कुछ और होता जी, है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी मिसेज आयशा, आपको भी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा आयशा, वतन की याद आती है, अपने घर वाले याद आते हैं, या बिल्कुल इन्होंने भी आपको अपने बच्चों की तरह ही रखा हुआ है? सच्ची सच्ची बताना, इसमें कोई मसला नहीं है। नहीं, सच बात ये भी मेरा घर ही है, लेकिन अम्मी अबू तो इंग्लैंड में है, उनकी तो याद बहुत आती है। अच्छा, माँ बाप की तो आती है। तो कितने अरसे से आप यहाँ पर न्यूजीलैंड आ गई हुई हैं? मैं आई थी मार्च में। अच्छा जी, तो 4 महीने हुए अभी। 4 महीने जी। इंग्लैंड के मौसम में और न्यूजीलैंड के मौसम में आपको कैसा फ़र्क लगा?
There's no comparison. Yeah, New Zealand का बहुत अच्छा है. वहाँ England में it's too cold. Too cold तो है उधर नाले. वहाँ पर आप चले जाएं इंग्लैंड के अंदर तो ऐसे लगता है कि आप सियालकोट फिरन रहे हैं, लाहौर फिरन रहे हो. It's true. Sometimes, some places. अच्छा. Yeah. आप पैदा पाकिस्तान में हुई हैं या के? Cambridge में, इंग्लैंड में. इंग्लैंड में पैदा. तो इतनी अच्छी उर्दू, इतनी अच्छी पंजाबी कहाँ से सीख ली? अम्मी अब्बू से. क्या बात है यार. तो आप अपने बच्चों को ये अपने लैंग्वेजेस सिखाएंगी? हम कोशिश तो करते हैं लेकिन अभी तो ये इंग्लिश ही बोलते ज़्यादा, वहाँ किंडी में यही बोलते हैं ना. मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं वो माउरी भी बोलते हैं. अच्छा माशाल्लाह. कहते नहीं यार तो जाना पूछो की पूछते कहते हो रही हो रिंगा रिंगा खाने तो पहले हाथ धो वो ते. नहीं बहुत अच्छा. मैं आपसे और भी बात करूँगा. आतिफ आप क्या करते हैं? आज मैं यहाँ वकील हूँ एक बैंक में. अच्छा सिटी में. तो कितने अरसे से वकालत कर रहे हैं? मुझे तकरीबन आई थिंक 10 साल हो चुके हैं जी. कोई 5 साल यहाँ न्यूजीलैंड में और कोई 6-7 साल दुबई में. किसी की मार तो पड़ी होगी ना बचपन के अंदर? मैंने बड़ी मार पड़ी है. मैंने उन्हें भी पहनती है जी मार तो. आए हाय इन्ना मारे जब मुंडा सोच सोच के बेचारे का वो सोचने लगे मैंने चोरी साहब तुम बड़ा जुलम किया बच्चों ने इन्ना मारिया एडा सोहना बच्चा पा देखो रोन दिया बेचारा कि मेरा प्यो ने बड़ा मारे. माशाल्लाह मैं मार माँ बाप की जिंदगी में जरूर पढ़नी चाहिए और जिन बच्चों को मार नहीं पड़ती है उनका राबी वाले से. अच्छा फिर ज्यादातर किस किन बातों पर आपको मार पड़ती थी? Mainly school work वगैरह जो था और you know भाई और बहन के साथ लड़ाई वगैरह करते थे. वो तो सारे लड़ते हैं. मैं तो अपनी बहनों की चीज़ें चुरा के भाग जाया करता था. बिल्कुल यही चीज़ें थे. तानू कितने बच्चे ने भाभी जी? साढ़े वैसे फुल फैमिली थी. दो बेटे ने थे एक बेटी. चोई साहब ते लेकिन अजकल तुम बच्चों नाल टाइम स्पेंड कर रहे हो तो तुम आतिफ या जो दूसरे भैन भरा ने बच्चे वह नहीं लगते पे ने या समझते हो कि यार असी बच्चे हो गए हैं? नहीं बच्चे तो उसरे रेंदे है ने लेकिन हम माशाल्लाह बड़े हो गए ने हम अपने डिसीजन करते हैं अपने काम करते हैं तो सू बड़ी खुशी है कि अपने पैरों पर खड़े ने. तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गल हैगी है. तो बिल्कुल दोस्तों थोड़ी बहुत होर भी गल करने इतने लाने एक छोटा जहा ब्रेक ब्रेक के बाद फिर मैं तेरे मुलाकात करना. वेलकम बैक. ब्रेक तो बाद फिर एक दफ़ा असी आ गए तेरे नाल साडे मेहमान के नाल. असी अज आए हाँ डॉक्टर चौधरी अशरफ साहब के घर के उन्होंने साड़ी अज मुलाकात हो रही है. ईद का दिन है तो गलबात चलती पी है नाल उन्होंने बच्चे बैठे ने. मैं कहना चौधरी साहब ना साड़ी बहुत ज़्यादा गलबात हुई है लेकिन अज बच्चे नाल भी गल हो जाए. अच्छा तो आप दोनों ये अरेंज मैरिज हुई है या तेरे लोगों का पसंद की शादी? जी अरेंज्ड ही हुआ. अच्छा अरेंज है. तो अम्मा जी की पसंद सी या पापा जी की पसंद सी? आई थिंक दोनों की. अज के दौर भी बच्चे इन्ने फर्मा बरदार है कि माँ बाप का कहना मानते हैं और वो सुखी रहते हैं बहुत अच्छा लगता है. आप भी इनके साथ जॉब करती हैं या आप भी वकील हैं? जी वकील थी. वकील थी जी वहाँ दुबई में और उससे पहले इंग्लैंड में. लेकिन जब से बच्चे हुए तो अभी बच्चे को संभालती हूँ. हाउसवाइफ. अच्छा वो जॉब ज़्यादा मुश्किल थी या बच्चों को पालना ज़्यादा मुश्किल था? बच्चों को पालना मेरा ख्याल जी. वैसे हम लोग बड़ी कहानियाँ सुनते हैं सास और बहू का एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है जी. ठीक है लेकिन ये रिश्ता जब सास और बहू की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ जहन में एक चीज़ आना शुरू होती है अल्लाह करे सब खैर हो. तो आपकी जो क्या मदर इन लॉ आपसे बेटियों ही की तरह प्यार करती हैं या
कहीं आ जाता फर्क आता है या कहते हैं कि कहीं कभी आपको कुछ शिकायत होती है इनसे? नहीं नहीं, तो मेरी दूसरी अम्मी है। हाय हाय, ये दूसरी। देखो जी, तुसी ताले खौफ दी वजह से नहीं हो रहा ना काम? नहीं नहीं, मेरी भी पहले एक बेटी सी तो हुण तीन हो गई हैं, दो बहुआं ते एक बेटी। पापा दी पॉलिटिक्स जाना तुहानूं पसंद सी या समझदे सी यार सानूं टाइम नहीं दे रहे? हां, मैं सोच रहा हूं कि एक दिन शायद उस रास्ते चलेंगे। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਲਓ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖਾਂਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਹਮਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਪਾਰਟੀ अलग चीज़ होती है, आपका एक व्यू अलग चीज़ होती है। आप समझते हैं कि यार आप तो वकील बंदे हैं, आप लोग तो चोर को बरी करवा देते हो, बेचारे जिन्हें कुछ नहीं किया होता उन्होंने अंदर करवा देते हो। या यहाँ पर भी चलता है वैसे केसेस होते हैं जैसे कि किसी ने कोई गलत काम, पता है कि इसने गिल्टी हो रही है, आप लोग उसको बैकअप बहुत अच्छा करते हो, उसके लिए आपको अंदर तो पता होता है ना कि इसने गलत काम किया है, तो उसको फिर भी बचाने की कोशिश करते हैं? वो तो अब क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना होता है। ये गलत काम नहीं। अगर आप वकील ना बनते तो क्या बनते? आप ऐसे मूवी स्टार बनते जो आपके लोग कहे ना, यकीन माने। मैंने शुरू से वकील ही बनना था। अच्छा, मैं मूवी में भी वकील का रोल बनता, मेरा जनाब जज साहब मैं आ रहा हूँ, मेरे कैदियों को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने प्यो को कह देना मेरा प्यो मिनिस्टर है जी। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में होते हैं ना तो पाकिस्तान में तो ये होते कि जिनके अब्बा जी मिनिस्टर वगैरह होते हैं, एमपी होते हैं, तोबा 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 हटो बचो। किसी बंदे दे नाल चौधरी लगा हो तो समझो तो दो तीन शुगर फैक्ट्रियां ने, बड़ा हिसाब किताब है। चोई साहब, जरा तुसीं ये दसो, अगर तुसीं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स च होंदे देखो, अगर हिसाब गल बात अजकल इलेक्शन आ रहे जी, और लेबर पार्टी और नैशनल पार्टी दो मेजर पार्टी जी, तो तुसी की देख रहे हो इस टाइम? लेबर पार्टी दा परसेंटेज देख रहे हो या समझ दो कि लेबर पार्टी कुछ खामियां हैं या किसी जगह तो उन्होंने वीक पॉइंट्स हों जिन्हां दी वजह नाल शायद उन्होंने उन्हें वोट ना पैन जिन्हें के पैने चाहिए सन? देखो जी, ये दो चीज़ें ना, एक तो है कि लेबर पार्टी इस वेले बड़ा अच्छा काम कर रही है, खासकर कोविड-19 दे विच, और दुनिया च मशहूर हो गई, साड़ी जिहड़ी प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन वो भी बड़ी मशहूर हो गई, तरीके नाल काम उन्होंने किया, तो उसकी वजह नाल सब कुछ ठीक लग रहा है। उसके अपोजिट है कि जिहड़ी अपोजिशन है इस वेले नैशनल पार्टी, उन्होंने तीन लीडर चेंज हो चुके हैं रीसेंटली, तो वो इस किस्म के डिसरे च हैगे ने, तो उन्होंने समझ लग रही हूँ की करना है। तो जो पोल आ रहे हैं तुम सुन रहे हो वेख रहे हो 50% उत्ते हैगी लेबर पार्टी इस वेले, लेकिन हाल इलेक्शन चूंकि 6 हफ्ते बाहर है दूर है, तो इस वास्ते कुछ भी हाल हो सकता, लेकिन बेसिकली लेबर पार्टी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं इस वेले। अच्छा, एज ए फादर बच्चों वास्ते कि टाइम उन्होंने कर देना, और एज ए फादर कि प्यार करते हैं अपने बच्चों? जी, ही इज़ अ गुड फादर। अच्छा जी, डॉक्टर साहब दिल की कोई तमन्ना हो कि यार मैं हूँ बहुत हो गया, कोई ख्वाहिश होती है? जी देखो, दिल की यही ख्वाहिश कि असी कितनी हेल्प कर सकने लोगों की, अपनी कम्यूनिटी की, खासकर वो वाइड एथनिक कम्यूनिटी, सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियन नहीं बल्कि वाइड एथनिक कम्यूनिटी, कि असी किमें हेल्प कर सकते हैं। और मैं अजकल तुम्हें पता है कि लोकल बोर्ड से है ऑकलैंड काउंसिल के, उत्थे मैं डिप्टी चेयरमैन है उटारा पापा टोई, और उत्थे भी मैं रब का करण कि उत्थे भी बड़े काम कर रहे हैं अपनी कम्यूनिटी लिए, जाके लोकल लैवल से आके असी उन्हें हेल्प करिए, और बड़ी खुशी होंगी है वो कम करके, अगर किसी का भला हो जाता बड़ी अच्छी गल। मैं चौधरी साहब के बारे दसा कि साउथ एशियन की तरफों ये पहले मैंबर ऑफ पार्लीमेंट सा जेडे कि पार्लीमेंट गए ने, और पहले मुस्लिम पार्लीमेंट मैंबर सा जेडे कि मेरे ख्याल अजे तक तुसी ही उस तो बाद कोई नहीं आया, उस तो बाद फिर साढ़े पार्लीमेंट मैंबर होर भी साढ़े दोस्त आए ने, तो लेकिन शुरुआत इन्होंने की है, तो सानू एक फखर होंदा साढ़े इंडिया पाकिस्तान के लोगों को कि साढ़े अपने लोग भी हुण पार्लीमेंट चले गए ने। हाँ जी, हुण मैं खाने का टाइम हो गया, कुछ
ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਲੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਾਰੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਿਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਬ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੈਂਬ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣ ਗਈ ਆਲੂ ਤੇ ਲੈਂਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਪਾਈਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਟੇਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੇਵੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਪਾਈਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਪਾਈਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਐਸਾ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਚਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਨਸੀਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਰਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਫੈਜ਼ਮ ਫੈਜ਼ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਜੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਾਕੀ ਬੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਵੇ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਹਾਏ ਦੇਖੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।